हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचपी ट्रक व्लॉग्स। तो आपका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या यार, गुड इवनिंग तो आपका स्वागत करता है। तो भाई आज हम जा रहे हैं बहुत ही दूर, लेह का सफ़र है हमारा। तो यार बहुत ही लेट हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए यार, ब्लॉग बनाए भी क्यों यार, पर यार व्यू भी नहीं आते तो क्या करें हम। तो ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट, तो चलते हैं। अरे यार ये पीछे पीछे जो बर्तन दिखाई दे रहे वो हमारे घर का व्यू है, तो आपको अपने घर का व्यू भी बता दें। और ये हमारा घर, बहुत ही गरीब घर से हूँ भाई। और ये हमारी गाड़ी जो फुली लोड ओनली ले लद्दाख, थोड़े मैं इसको मॉडिफाई भी करा के आया भाई सरहंद में जाकर। तो भाई ये देखो लाइटिंग वैटे और ये जंगले वगैरह लगवा के आया। तो चलते हैं भाई, अपना ब्लॉग स्टार्ट भी करते हैं। ये देखो फुली लोड भाई, अभी तो रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये फुली लाइटे लाइटे लगा रखी है मैंने। तो भाई चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, गाड़ी भी अंदर से एकदम ओके। ये देखो भाई हमारी गाड़ी फुली, और ये मेरा छोटा भाई, और ये लाइटिंग लाइटिंग भाई, ये सारा सामान रख लिया हमने, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो भाई चलते हैं हमारी सफ़र की तरफ। जय माता दी, बोल सच्चे बादशाह की जय। सच्चे बादशाह। तो भाई हम और हो गए रवाना ले के लिए। अभी यहाँ पे डलवाएंगे तेल, फ्यूल वगैरह फुल करवाते हैं, तो फिर करवाते हैं टैंक फुल। तो अभी एटीएम वगैरह चल देगा ये, तो फिर ये हमारी गाड़ी देखो, ये हम मैं जाके सरंद मॉडिफाई करवा के आया था गाड़ी को। तो ये देखो बैक हो जा, लाइटें वगैरह ठीक कर रहा है मेरा भाई। तो ये देखो मैंने जो ये नए जंगले लगे हुए हैं सब वहीं पर सरंद वगैरह में करवा के आया सभी। और ये मेरा माल, ले का माल, ये मेरी गाड़ी। तो भाई एक नंबर गाड़ी बनवा के भाई, वहाँ पे मेरा टोटल खर्चा है 50,000 रुपये। तो ये व्हील कैप वगैरह सब कुछ लगवा के आया, ये देखो मेरी गाड़ी करवाते हैं यहाँ पे टैंक फुल, फिर चलते हैं अपनी गाड़ी सफ़र की तरफ। तो ये हमारा टैंक फुल हो रहा है, इधर डल रहा है हमारा डीजल। तो ये जेसीबी वगैरह आ रखे हैं यहाँ पे तेल डलवाने के, फ्यूल डलवाने के लिए। तो ये देखो ये हमारा इतने का तेल डल चुका है, ये अभी तो रीमीटर चल ही रहा है। देखते हैं कितने का डलता तेल। सात हज़ार का हो चुका है, तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं भरतगढ़, ये अब हम यहाँ से जाएंगे मेन रोड से।
यहाँ पे फोर लेन रोड है, तो वो देखो सामने फोर लेन रोड, तो यहाँ से चलेंगे हम फोर लेन से, देखते हैं कहाँ तक चला पाते हैं गाड़ी हम। तो वो हमारा गुरुद्वारा भरतगढ़ का गुरुद्वारा, देखो भाई साहब गाड़ी ही गाड़ी। भाई रुक जा, बहुत ही जल्दी इनको भाई कारोबार को तो बहुत ही जल्दी रहती है भाई, तो हम भी चलते हैं बाहर की तरफ। रुकिए ना, तेरी पैन। तो हम पहुंच चढ़ गए हैं फोर लेन की, ये रहा हमारा गुरुद्वारा। तो चलते हैं हम अब गाड़ी चलाते हैं भाई, आगे मिलते हैं अभी, आगे देखते हैं कहां पर स्टॉप करते हैं हम। कोई ज़िंदगी है भाई, कोई ज़िंदगी नहीं है यार। बहुत लोग सोचते हैं भी इनकी ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, खाते हैं पीते हैं आराम करते हैं। भाई एक नाइट लगा के देखो यार, फिर पता चलता है ड्राइवर लेन क्या चीज़ है। ये हमारा भरतगढ़ का ब्रिज जो नहरों से नहरों के ऊपर है, हमें यहाँ नंगल से वापस भेज दिया गया है कि यहाँ पे रास्ता बंद है। तो अभी जाएंगे अनंतपुर साहब, अनंतपुर से फिर राइट ड्राइवर साइड लेंगे, वहाँ से घूम के आते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ तो यार ये तो रास्ते बंद हो गया, क्या करें भाई, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हमें पता ही नहीं था अभी रास्ता बंद है यार नंगल में, नंगल पंजाब में। तो यार सॉरी यार, बस अनंतपुर साहब नहीं दिखा पाए आपको यार, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था अभी, चार्जर डब्बा रिया, तो अब जब चार्जर लगा रखा है फ़ोन को यार, क्या करें भाई, पता ही नहीं था अभी नंगल बंद है भाई यार, बहुत ही अफसोस। बिना मतलब पैंज 20 किलोमीटर का फेर पड़ गया भाई, 40 किलोमीटर हो गया भाई, 40 किलोमीटर में इसने 1000 का तेल पी लिया होगा। चलो भाई क्या करें, जो किस्मत में वही मिलेगा भाई। चलो भाई आगे मिलते हैं फिर, ठीक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऊना में, बहुत यार नंगल से वापस गए, फिर वहां पे यार इतना जाम लगा ना रास्ते में, वहां का शो नहीं बता पाया यार, क्या करूं। फिर घूम घुमा के अब पहुंचा यहां, अभी टाइम हो रहा है कितना, 11:30। तो भाई देख लो यार गाड़ी वालों का क्या हाल होता है भाई, ट्रक लाइफ यार इतनी अच्छी नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ भी जो भी सोच रहा है भी मैं गाड़ी चलाऊँगा, पर यार भाई कोई मत चलाना यार, जिसको भी शौक हो यार भाई मत चलाना प्लीज़। पूरी रात भर जागना पड़ता भाई, कोई किसी का नहीं होता भाई साहब, हम तो सोचते हैं भी ट्रक लाइफ अच्छी है, पर भाई बहुत ही बदतर है भाई, बहुत ही बदतर। अरे यार मेरी गाड़ी बहुत हिलती है, ये 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 ये
और ये हम उतर रहे हैं उन्ना की डॉन, हल्की सी डॉन ये। ओ भाई कैमरा ही बहुत हिल रहा है। हमारे उन्ना बाजार सबसे बड़ा बाजार ये जा रहा रोड, ये रोड चला गया पीर निगाह को, पीर निगाह श्री ये वाला, और ये जा रहा सीधा अंब, और आगे बताते हैं आपको। ये और ये बस स्टैंड आगे, पुराना वाला बस स्टैंड ये था, और ये चला गया ऊपर को राइट साइड में हमीरपुर को रोड, ये वाला ये हमीरपुर को चला गया और सीधा आम का। अभी सुनसान रोड भाई, रात को टाइम देखो कैसा रोड लगता है, और दिन में भीड़ भड़क्का। और हमारा जो नया बस स्टैंड बना हुआ उन्ने में, वो ये है आगे वो राइट साइड में जहाँ पे लाइटें दिख रहे हैं आपको, आगे बहुत बड़ा बस अड्डा बन चुका है यहाँ पे। ये देखो ISBT कितना बड़ा, तो मिलते हैं आगे फिर अगले स्टॉप पर। तो अब हम पियेंगे चाय वगैरह, यहाँ पे साइड में लगा दी हमने गाड़ी, और ये हमारी चाय भी आ गई है, हमारे बिस्किट वगैरह सब कुछ आ गया। तो पीते हम चाय फिर मिलेंगे आपको। हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, ये देखो पठानकोट, और हम उतर रहे हैं तराई, ये देखो ये सारा पठानकोट ही है। भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। पठानकोट का फ्लाई ओवर भी क्रॉस कर दिया है। ओ भाई रुक जा, पास लेने दे मुझे। देखो पीछे कितनी गाड़ी आ रही है, बड़ा कंटेनर। यहाँ
यहाँ पे सामने हमारा एयरपोर्ट, हमारी आर्मी एरिया, हमारे भारत के जवान, ये पठानकोट। हाँ भाई तुझे ज़्यादा जल्दी है, अजय बस बस टूरिस्ट टूरिस्ट, जा भाई तुझे जाना तो जा भाई, ज़्यादा जल्दी है क्या? ये देख भाई, ये पता नहीं क्या भाई, इन बंदों को यो पेंट। एक मिनट भाई मैं इसको बता दूं भाई कैसे कटवाना होता है। तो भाई ये कट मार रहा था, इसको पूछ लेते हैं क्या चीज सीन है भाई तेरा। हमारा सामने मिलिट्री एरिया, ये टोटली यहाँ से लेके अब टोटली हमें मिलिट्री एरिया ही मिलेगा, जम्मू तक, श्रीनगर, ले, सभी मिलिट्री एरिया ही, क्योंकि हमारे जवान सारे पास से बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे सैनिक भी बैठे हुए हैं। और ये इधर भी, इधर ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है फौजियों की। और ये भी इधर भी, ये देखो ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड है। टैंक वगैरह भी है, टैंक वगैरह गेट पर रखे हुए हैं, ये भी ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये देखो ये सभी ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पे फौजियों की परीक्षा होती है भाई साहब। यहाँ पे यार टैंक वगैरह पड़े थे, वो पहुँच गए शायद, उठा दिए होंगे इन्होंने, उठा लिए होंगे शायद। नहीं नहीं हो रहे, हो रहे हमारे टैंक, एक ही टैंक बहुत है भाई, ये टैंक मेरा, ये टैंक, दो टैंक हैं यहाँ पे। चलिए हम पहुँच चुके हैं कठुआ, सॉरी लखनपुर बॉर्डर, और ये लखनपुर बॉर्डर का ब्रिज भाई, गियर डालियो, रहने दे, देखो ये लखनपुर का ब्रिज। फाइनली गाइस तो हम पहुंच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर, मतलब जे एंड के बॉर्डर। तो शायद अभी तो मुझे लगता है अभी पास पुस नहीं बनाना पड़ेगा कोई, डायरेक्ट टोल कटाओ, टोल कटा के सीधा पार। पहले तो बहुत झंझट था, ये कराओ वो कराओ, अब ठीक है, सबसे अच्छा है अभी बस आओ और जाओ, वरना बहुत दिक्कत होती थी यार। दो घंटे टूटते थे हमारे यहाँ पर, दो घंटे, अब ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आओ और जाओ बस। नहीं अभी नहीं कटेगा टूल, यहाँ पे सिर्फ टूल कटेगा हमारा और कुछ नहीं होगा। अगर सोना है तो सो सकते हैं, अगर जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई जाम ही जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो डिफरेंस काउंटर, ये कहाँ का मोड़ ली उसने गाड़ी। अरे अच्छा ठाट कहाँ जा रहा है भाई, मार देंगे यहाँ पे लोग तुझे। अच्छा ठाट चला गया रॉन्ग साइड, शीट है, शीट। हाँ जी, तो फाइनली गाइस हम लखनपुर बॉर्डर, ये देखो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। मिल गए यार, जो आर्मी का घर नहीं बनते, आर्मी के घर नहीं बनते कमरे,
सीट है उनकी। अच्छा, आपके पुलिस वाला कुछ पूछ रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये फलाना ढिमकना। मैं वो बोल रहा भाई ये आर्मी का कमाल है और कुछ नहीं है। तो भाई ये शायद यहाँ पे क्या रौला है, गाड़ियाँ जा नहीं रही है क्या, देखते हैं यहाँ पे पूछते हैं क्या सीन है भाई। यहाँ पे बैग भी मुड़ गया, बस ना बस से तो भाई वहाँ से ही जाएगी। हम गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं और चलते हैं पूछने के लिए भी क्या सीन है भाई। शायद तुम टायर चेक करो, वो देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या दिक्कत आई यहाँ पे। फाइनली गाइस हम पहुँच गए लखनपुर बॉर्डर, ये देखो हमारी गाड़ी ये रही और ये सभी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। क्या क्या कर दी, क्या कह रहे हैं, टूल कट टूल के बारे में बोल रहे हैं कुछ? कौन सी काटते हैं, किस चीज़ की, कहाँ पर कटती है, बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे हम जाते हैं पर्ची कटवाने के लिए, यहाँ पे कोई पर्ची पुर्ची काटते कोई, वहाँ पे देखते हैं कौन सी पर्ची काट रहे हैं, वो रहा वहाँ पे देखते हैं कौन सी पर्ची काट रहे हैं। तो मिलते हैं आपको बाद में, पहले पर्ची कटवा के आता हूँ भाई। गाइस नाम वगैरह आईडी ऐड किया और नंबर वगैरह और कुछ नहीं, और ये छोटी सी पर्ची दे दी, हाथ में दिखाई नहीं दे रही, और हमारी गाड़ी कहाँ चली गई भाई, हो रही ये रही हमारी गाड़ी। यार इतने दिन तो नहीं लेके आया था मैं, ये भी खड़ी थी ऐसे खड़ी रखी थी ये रही। ये वाली गाइस पर्ची दी उन्होंने, नाम वगैरह ऐड किया और नंबर वगैरह, और हम चलते हैं अभी लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पकड़ भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्या करें, चलो फिर चलते हैं। चल भाई चल, पर्ची कटा ली हो तो चल भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड। अरे भाई चल पड़े यार, भाई हाथ कैसे कांप रहे भाई, ज़्यादा ही ठंड लग रही है कुछ, अगर नहीं उतरता तो अच्छा था भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। शीशे चढ़ा लो भाई, पावर विंडो है, कोई बात नहीं ऐसे चढ़ जाएंगे। अरे भाई जेके वाले बहुत धक्का करते हैं भाई, बीच बीच में बंदे अच्छे भी है और बीच बीच में तो ऐसे भाई क्या ही कहूँ मैं। और ये जाम लग गया भाई हमें। फाइनली गाइस हम वहाँ से निकल आए, बहुत ही जाम लग गया था यार, तो क्या करें। और हमें अभी यहाँ से जाना है 32 किलोमीटर, वहाँ पे हमारा भाई वेट कर रहा है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं रेस्ट करेंगे या आगे चलेंगे, शायद रेस्ट ही कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है भाई। यहाँ पे भी जाम लग गया यार, क्या करें भाई, जाम ही जाम मिलता सब पासे, सब जगह जाम ही जाम मिलता है, और क्या करें, कर भी सकते हैं। और इन्होंने बेड़े भर रखी है, अरे इसको क्या हो गया, अच्छा आगे टूल, भाई टूल कटेगा टूल, अच्छा अच्छा टूल की वजह से जाम लगा हुआ भाई, ठीक है ठीक है। तो भाई टूल कटा के मिल गाइस, हम पहुंच चुके हैं सांबा, तो अब यहीं पे करेंगे रेस्ट और लगते हैं हम कान भाई में, शायद कान भाई कल छूटेगी तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, यार एक तो यार आप सपोर्ट ही नहीं करते यार, क्या वीडियो बनाएंगे हम भी यार।
अगर कोई गलती निकालेगा तभी तो भाई आगे हम सुधार कर पाएंगे। तो भाई गुड बाय, ओके। तो कल का ब्लॉग कल देखेंगे, अभी कर देते हैं गुड बाय। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो जरूरी करके जाना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर। ओके लव यू फैमिली। तो हम भी करते हैं भाई रेस्ट, वैसे कान भाई लाइन में लग जाए एक बार, फिर आप वीडियो एंड करते हैं। बस ये सांबा, ये क्रॉस, और ये यहाँ पे कान भाई शुरू होती होगी, अभी यहाँ पे खड़ी होगी गाड़ियाँ सारी, वहाँ पे खड़ते हैं जाके, खड़े हो जाते हैं लाइन में लगते हैं जाके। और हमारा जो बंदा था वो हमारे पीछे आ रहा है, उसको मैं सुबह बताऊंगा आपको वो वही कौन सी गाड़ी लेके आ रहा है, उसको सुबह बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे तो अभी टाइम हो गया भाई 5:30, देख लो भाई कितने बजे बैठा था मैं सीट पर, कंटिन्यू चल रहा, लगातार चल रहा हूँ भाई वहाँ से, देख लो कहाँ तक पहुँच गया भाई। ड्राइवर की ज़िंदगी भाई कोई कुछ भी नहीं भाई यार, ड्राइवर की कोई ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी नहीं भाई, सारी रात चलना पड़ता भाई। यार हम तो इस लाइन में पड़ गए हैं, तो यार क्या ही कहें हम भी यार भाई, हमारा बंदा कहाँ गया, हमारा बंदा नहीं आया अभी तक। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, राइट साइड भाई उधमपुर, 93 किलोमीटर भाई यहाँ से उधमपुर, कान भाई उधमपुर में भी शायद कान भाई लगी होगी, मुझे पक्का नहीं पता, अभी बोल देखते हैं वो बंदा हमारा क्या करता है, यहाँ पे रुकता है कि नहीं रुकता, यहाँ पे शायद कान भाई, नहीं भाई यार कान भाई तो लगी हुई है यहाँ पे, गाड़ी तो छोड़ दी सारियाँ गाड़ी छोड़ दी है यहाँ से तुम। और ये आ गई हमारी गाड़ी, ये जा रही है, आ गया भाई साथ साथ में आ गया भाई बंदा हमारा। अभी यहाँ पे जाके आगे साइड में लगा देंगे गाड़ी और रोक लेंगे, वो जा रही हमारी गाड़ी। ये रही हमारी गाड़ी भाई, ये भी इसका भी माल भाई हमारे साथ का, ये ले का माल है। तो भाई शायद अभी रुकेंगे नहीं, शायद चलेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है आगे का। चलो ठीक है भाई, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। ओके बाय, गुड नाइट। तो क्यों बोलूँ यार, सुबह तो हो गई है फिर। चलो ठीक है भाई, वीडियो करूँगा मैं अभी एडिट, नींद भी आ रही है वैसे। चलो बाय बाय, ओके टाटा बाय।